श्रीलंका से हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान ने जो कहा आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार 26 अक्टूबर को केले के मुकाबले में मौजूदा वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड टीम महज 156 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 25.4 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर लिया। इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा यह से ज्यादा मुश्किल वक्त है। एक कप्तान के तौर पर आपको यह बात काफी ज्यादा महसूस होती है। मैं एक कप्तान के तौर पर काफी ज्यादा निराश हूँ और अपने टीम के खिलाड़ियों को लेकर भी जिन्होंने अच्छा खेल नहीं दिखाया। हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी ज्यादा निचले स्तर का खेल दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीम में बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं। आप एक रात में एकदम से एक खराब टीम नहीं हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यही बात हमें सबसे ज्यादा परेशानी में कर दिया है। उसके बाद जोस बटलर ने जो कहा वो तो मेरे दिल को लग गई। उन्होंने कहा कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कोसों दूर नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कोई खास वजह भी नहीं नजर आती है। इस बात पर हम उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। टीम चयन एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप लगातार बना रहना चाहते हैं। चयन हमारे लिए परेशानी ही नहीं है, मुख्य बात यह है कि हम अपने असर का खेल दिखाई नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जोस बटलर ने कहा कि इस हार में कई सारी चीजें हैं, जैसा कि जो रूट का आउट हो जाना। आप आमतौर से हमारे टीम से ऐसी गलती नहीं देखते हैं। हम मैच के दौरान कोई भी साझेदारी नहीं कर पाए। हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भी जो सबसे सामान्य चीज है उसे ही बेहतर ढंग से नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज सम्मान होती है जो हमने अपने स्तर का बनाया है। आगे बचे मुकाबले में हम उसके मुताबिक ही खेल दिखाना चाहेंगे। जी हाँ, जोस बटलर ने जो बातें कही हमने आपको बता दिया। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड टीम की अंक तालिका में 9वें नंबर पर पहुंच गई है और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। तो क्रिकेट से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।